सो गाइस सो डुअल डायरेक्टेड में आपका आता है मॉडल्स, ठीक है। तो मॉडल्स आपके 13 हैं, व्हिच वी आल्सो कॉल मॉडल्स, ठीक है। तो आपके 13 मॉडल्स हैं, तो 13 मॉडल्स में आपको इनको आपको शॉर्टकट बताता हूं इनको कैसे करना है, राइट ओके। तो आपका दैट इज मे एंड माइट। देखो मे और कैन दोनों का मतलब सकता है, ओके, दैट इज क्लास 10th ईयर, ओके। तो मे और माइट दोनों का मतलब सकता है, लेकिन मे और कैन में मेजर डिफरेंस क्या है। मे यूज होता है आपका पॉसिबिलिटी के लिए, पॉसिबिलिटी यानी कि चांसेस के लिए, ठीक है, एंड राइटिंग के लिए, सॉरी बिकॉज आई वॉन्ट द भारत रत्न फॉर एंड राइटिंग एज वेल, ठीक है, ओके। और कैन यूज होता है आपका कैपेसिटी के लिए यूज, ओके, पॉसिबिलिटी है। तो इसी के साथ जैसे बारिश है, बारिश आपका हो सकती है, इट इज अ काइंड ऑफ व्हाट, चांसेस है तो तब आपका क्या होगा, आपकी कोई चीज हो सकती है, नहीं हो सकती है, तो आपकी वो पॉसिबिलिटी है, राइट। कैपेसिटी मतलब आपकी कितनी कैपेसिटी है, अगर किसी चीज की कैपेसिटी तो वहां पे क्या लगाओ, आपको एग्जाम में क्या आएगा, आपको तो इतना डिफरेंस करने के लिए क्रिएट नहीं आएगा, आपको सेंटेंस आएंगे तो आपको वहां पे उस पर देखना है कि जो सेंटेंस में उसमें पॉसिबिलिटी बता रहा है या फिर आपका कैपेसिटी है। पॉसिबिलिटी बता रहा तो मैं यूज कर दो, और अगर कैपेसिटी बता रहा तो आपका कैन यूज कर दो, ठीक है, राइट, समझ आ गया, गुड, ठीक है। और दूसरा यूज भी देखना गाइस, मे का यूज होता है, और हिंदी यू नो मॉडल्स, व्हाई मॉडल्स आर सो कंफ्यूजिंग, बिकॉज इन हिंदी में मतलब इनका सकता है होता है, और लेकिन वर्ड हमारे पास दो होते हैं। अब यहां पे देखिए, शुड मस्ट आउट टू, इन तीनों का मतलब हिंदी में होता है चाहिए, ठीक है, रिक्वेस्ट को, शुड मस्ट आउट टू, इन तीनों का मतलब चाहिए। लेकिन अब जब हमारे पास सेंटेंस आता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या आएगा, शुड आएगा कि मस्ट आएगा कि आपका आउट टू आएगा, तीन है चाहिए आपके, ठीक है। दैट्स फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, दोज हु आर वॉचिंग ऑल्सो, आई वॉन्ट यू टू ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, दोज हु आर स्टडिंग इन हिंदी मीडियम, राइट, हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम बोथ फॉर देम, राइट, ओके। सो शुड मस्ट एंड आउट टू कंपेटिटिव एग्जाम के लिए भी कंपेटिबल है, आपके बैंक पीओ, आपके ब्रैंक क्लेरिकल, आपका जो जो भी कंपेटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें भी मॉडल्स प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, आपकी प्रेपोजिशन अलॉन्ग विद प्रेपोजिशन एंड अलॉन्ग विद कंजंक्शंस, दिस प्लेज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट। तो इसमें कंफ्यूजन होता है, लोगों को समझ नहीं आता कि यूज कैसे करना है इनको, ठीक है। तो शुड मस्ट एंड आउट टू इसमें क्या डिफरेंस है, देखिए चाहिए, शुड क्या होता है आपका नॉर्मल एडवाइस के लिए, नॉर्मल बोलते हैं, नॉर्मल नहीं बोलते, ठीक है, नॉर्मल एडवाइस के लिए, जो आपकी एक साधारण सलाह है, एडवाइस मतलब सलाह, ठीक है, ना बोलता कि यू शुड कट योर हेयर, आपको अपने बाल काटने चाहिए, तो इट इज नॉट दैट मीन्स नेसेसरी, राइट, इतना जरूरी नहीं कि आपको अपने बाल काटने ही चाहिए, सिंपल सा फंडा, चाहिए, मस्ट का मतलब ही चाहिए, मतलब थोड़ा स्ट्रेस है, अगर मैं आपको थोड़ा हिंदी में बताऊं तो, इन इंग्लिश मस्ट मीन्स वेयर इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड, जहां पे बहुत ही ज्यादा जरूरी है, नेसेसरी है। शुड का मतलब आपको करना चाहिए, जैसे मान लिया मैं आपको एडवाइस देता हूं कि बाल लंबे हो गए तो मैं बोला यू शुड कट योर हेयर, राइट, तो ये क्या है कि नॉर्मल एडवाइस है, आप कट करो ना करो आपकी मर्जी है। अब मान लिया कि आपको कोल्ड हो गया, राइट, योर नोज इज रनिंग एंड आपको फीवर भी बहुत ज्यादा हो गया, तो देन आई वुड एडवाइज यू दैट यू मस्ट टेक मेडिसिन, राइट। तो वहां पे क्या आ गया, वो जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, जब बहुत ज्यादा जरूरी है तब आपका क्या आएगा, मस्ट। अगेन जब आपको एग्जाम में आ रहा है वहां पे भी देखो सेंटेंस कैसा है, सेंटेंस देखो कि आपका नॉर्मल एडवाइस वाला सेंटेंस है या मस्ट वाला है, अगर बहुत ही जरूरी है तो आपका मस्ट आएगा, राइट, विच इज वेरी मच नेसेसरी, तो वहां पे आपको मस्ट का यूज करना है। आउट टू इसका मतलब चाहिए, अब ये कहां पे यूज होगा, है कुछ आइडिया गाइस, पढ़े आपने मॉडल्स क्या स्कूल में, तो फिर भूल गए, अच्छी बात है राकेश जी, आप भूल जाते हैं जल्दी, चांद पे जाने के सपने देख रहे हैं राकेश जी, नासा जाना चाहते हैं, ऐसे भाई, ठीक है। आउट टू सेंटेंस आपके ऐसे होते हैं विच आर मॉरल ओब्लिगेटरी सेंटेंसेस, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, मॉरल ओब्लिगेटरी सेंटेंसेस मतलब नैतिक शिक्षा वाले वाक्य, पढ़े आपने जैसे स्कूल में होते थे, बड़ों का आदर करना चाहिए, छोटों से प्यार करना चाहिए, और क्या होते थे, और क्या होते थे प्रदीप,
एनी अदर सेंटेंस. सो मींस इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं, हमें टाइम पे उठना चाहिए, हमें लाइक दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस, राइट. जो नैतिक शिक्षा वाले वाक्य हैं वहां पे आउट टू लगा दो, सिंपल सा फंडा. ठीक है, आउट टू लगा, जैसे वी आउट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए. वी आउट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, क्लियर. ठीक है, राइट. तो मस्ट, शुड, मस्ट, आउट टू का डिफरेंस क्लियर हो गया. शुड मतलब चाहिए, जो हमें नॉर्मल एडवाइस है कि आपको ऐसा करना चाहिए. मस्ट मतलब आपको ऐसा करना ही चाहिए. ठीक है, आपको हॉस्पिटल जाना ही चाहिए, आपको जॉब करनी ही चाहिए, या आपको कुछ भी करना ही चाहिए जो बहुत ही नेसेसरी है, कंपल्सरी है एंड रिक्वायर्ड है. यूज मस्ट देयर, ओके. एंड देन वी हैव आउट टू, आउट टू मैंने आपको बोल दिया मॉडल ऑब्लिगेटरी सेंटेंसेस के लिए. देन नीड टू, नीड टू का कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है. ठीक है, नीड टू का मतलब जरूरत है, मस्ट की तरह ही है. नीड टू एक तरह से मस्ट ही है. ठीक है, जैसे एक कॉमन सेंटेंस है कि मुझे, जैसे मान लिया आप मेरे पास आ रहे हैं और आप बोले कि सर मुझे जल्दी निकलना है, मतलब आपको जाना है यहां से जल्दी, तो क्या बोलोगे आप? सो यू कैन सिंपली से आई नीड टू रश, वी नीड टू गो, आई नीड टू रश, मतलब मुझे जल्दी निकलना है. आई नीड टू रश, स्पोकन में भी आप ये सेंटेंस बोल सकते हैं आप लोग. आई नीड टू रश, आई नीड रश, मतलब मुझे निकलना है, जल्दी निकलना है, राइट. आई नीड टू सर्वाइव, यू वी नीड टू सर्वाइव, राइट. हाँ राइट, ओके. डेयर टू, डेयर टू मतलब क्या? डेयर टू बेसिकली हिम्मत कैसे हुई आपकी, राइट. क्या है सर हिम्मत? हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत, डेयर का मतलब होता है हिम्मत. जैसे नीड का लिखा दो थोड़ा सा, जैसे यू नीड टू टेक रेस्ट, यू नीड टू टेक रेस्ट, आपको रेस्ट लेना है. जरूरत है, इसका कोई एक, इसका एक ही यूसेज है. नीड टू का मतलब जरूरत है, या आप मान के चलो कि मस्ट का सिनोनिम है. ठीक है, जहां पे मस्ट मस्ट यूज होगा वहां पे आपका नीड टू भी यूज हो जाएगा. जैसे आई नीड टू गो, वी मस्ट गो, एक ही बात है. आई नीड टू गो, वी मस्ट गो, दोनों जरूरी है. ठीक है, नाइट. डेयर टू, सॉरी, डेयर टू का मतलब हिम्मत कैसे हुई. ये नॉर्मली थोड़ा ऐसे आता है कि How dare you to touch me? मैक्सिमम लड़कियां यूज करती हैं. ठीक है, How dare you to touch me? आपकी हिम्मत कैसे है मुझे टच करने की? How dare you to say like this? आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? How dare you to? बस ये सिंपल है, ये उतना नहीं आता एग्जाम में. सर इसका मतलब कि क्या? हिम्मत करना. Dare to का मतलब हिम्मत करना. ठीक है, या टू शो करेज इन इंग्लिश, टू शो करेज. ठीक है, यूज टू, अगेन ये भी ज्यादा यूज नहीं होता है. ज्यादातर आपको एग्जाम में ये ऊपर वाले ही कंफ्यूज करेंगे, नीचे वाले उतना नहीं करते हैं. अब ये दो चीजें आएंगी उनको बताता हूं. यूज टू यूज होता है आपका पास्ट हैबिट के लिए, पास्ट हैबिट के लिए. आपकी पुरानी आदत थी कोई, लेकिन अभी वो छूट गई है. ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं कि बचपन में मैं गुलाब जामुन बहुत लाइक किया करता था, राइट. तो कुछ किया करता था, यूज्ड टू, आई यूज्ड टू लाइक गुलाब जामुन इन माय चाइल्डहुड. ठीक है जतिन, समझ आ रहा है? ओके, आई यूज्ड टू लाइक गुलाब जामुन इन माय चाइल्डहुड. मैं अपने चाइल्डहुड में जो है गुलाब जामुन लाइक किया करता था. यू कैन से दैट आई यूज्ड टू बी वेरी नॉटी इन माय चाइल्डहुड. मैं बहुत शरारती हुआ करता था, किया करता था, हुआ करता था, ऐसा होता था. जो चीज होती थी लेकिन अब नहीं होती है, वहां पे यूज टू. ठीक है, आप स्पोकन में भी इसको यूज कर सकते हैं, नो डाउट इन दैट. ठीक है, देन विल, विल और शैल, देखो ये वैसे फ्यूचर के लिए दोनों. ठीक है, विल और शैल फ्यूचर के लिए दोनों. एंड आपको व्हेनेवर यू माइट बी स्टडीइंग अबाउट टेंसेस, यू वुड हैव लर्न दैट इन फ्यूचर विद आई एंड वी आर सपोज टू यूज शैल, एंड विद अदर पर्संस वी आर सपोज टू यूज विल. Other than I and we, whatever is left, like he, she, you, we, they, whatever, you, we, they, what, you know, you, they. So for that, with them, you are supposed to use will. लेकिन यहाँ पे as a modal, जब आप will का use करोगे, तो थोड़ा change हो जाएगा game. Game कैसे change हो जाएगा? I और we के साथ आप will का use भी कर सकते हैं. I और we क्या सभी के साथ आप will का use कर सकते हैं? जब strong determination होगा, क्या होगा?
स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन का मतलब दृढ़ निश्चय वाला कोई सेंटेंस होगा, ठीक है। जैसे यू कैन से दैट मैं कल चंडीगढ़ जाऊंगा ही जाऊंगा, मतलब ये पक्का है। ओके यू विल नॉट गो, बट आई एम जस्ट सेइंग, आई एम एक्सप्लेनिंग, आई एम जस्ट जोकिंग, ठीक है। देखो क्या हो गया कि मैं कल पक्का जाऊंगा, मेरा पक्का जाना है, वैसे आई के साथ फ्यूचर है, वैसे गागी की टीवीलर चलाते थे, लेकिन यहां पे क्या है, आई विल गो टू चंडीगढ़ टुमारो, आई विल आएगा, शैल नहीं आएगा, समझ गए, एज ए मोडल, जब आप उसका एज ए मोडल यूज कर रहे हो, आई विल गो टू चंडीगढ़ डेफिनेटली टुमारो, तो विल का यूज आपका इस तरह से होता है, मतलब विल का यूज फ्यूचर के लिए, लेकिन स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय वाले जो सेंटेंस होंगे वहां पे आपका विल का यूज होता है, राइट, ठीक है, ओके। नाउ उसी तरह से आपका विल हो गया, हाँ, शैल, शैल का मतलब भी फ्यूचर के लिए यूज होता है, बट अगेन एज ए मोडल का यूज कहां पे होगा, जहां पे आप इसको रिवार्ड की बात करेंगे, किसी को इनाम देना होगा, पनिशमेंट देनी होगी, रिवार्ड और पनिशमेंट होगा तो सबके साथ शैल आ जाएगा, रिवार्ड एंड पनिशमेंट, थोड़ा खिचड़ी पक गया यहाँ पे, राइट, सो यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है, वीडियो को देख लेना है दोबारा पॉज करके घर पे, तो आपको क्लियर हो जाएगा, ओके। रिवार्ड एंड पनिशमेंट, रिवार्ड एंड पनिशमेंट में क्या होता है कि यू नो यू वॉन द नोबल प्राइज, नो वहां पे विल नहीं आएगा, यू शैल, ही शैल, जैसे उसको भारत रत्न मिलेगा, ही शैल गेट भारत रत्न अवार्ड, ठीक है, ही शैल गेट भारत रत्न अवार्ड, ओके, तो आपका उस तरह से यूज होगा, लेट मी कंप्लीट दिस वन, तो ही शैल गेट भारत रत्न, लाइक he will be hanged, sorry he shall be hanged tomorrow, उसे hang किया जाएगा tomorrow, ठीक है, मतलब फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा, he shall be hanged, reward, नहीं punishment है ये, reward कैसे हो, माल है यार, किसी को punishment दी जा रही है आप उसको reward बोल रहे हो, ठीक है, right, तो मेरा simple सा system ये है, जहाँ पे reward है, जहाँ पे reward और punishment की बात हो रही है, वहाँ पे सबके साथ shall लगाना है, चाहे आई ओ वी ओ ही ओ शी ओ व्हाटएवर, ठीक है, और जब आपका स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन की बात हो, सबके साथ विल लगा दो, फंडा क्लियर, राइट। नाउ वुड, वुड, ठीक है, वुड भी वेरी मच कंफ्यूजिंग है, इसको सेपरेटली करते हैं, वुड, वुड का यूज कहां पे होता है, नंबर वन इमेजिनेशन के लिए, इमेजिनेशन के लिए, ठीक है, आपका इमेजिनरी सेंटेंस है, जैसे मान लिया अभी वो चीज है तो फ्यूचर में ही, लेकिन अभी वो हुआ नहीं है ना, पक्का है वो, ठीक है, जैसे विशाल बोलेगा कि मैं 1 करोड़ रुपए जीतूंगा, फिर मैं ये करूंगा, फिर मैं वो करूंगा, फिर मैं वो करूंगा, व्हाट इज दिस, कल्पना, इट्स अ काइंड ऑफ इमेजिनेशन, यू नो इट्स अ काइंड ऑफ इमेजिनेशन, तो आप इमेजिनेशन कर रहे हो, तो उस तरह के जितनी भी सेंटेंस आएंगे उसमें वुड आएगा, I would do this, I would be a millionaire, I would go for a world trip, then I would stay in South Africa, then I would stay there. चलो कहीं भी stay करो, मैं तो South Africa से बोलिया, ठीक है? So whatever is there, so imaginary sentences के लिए भी लगा, please would you please open that door? Yes, yes, yes. That is a request, right? ठीक है? तो ये हो गया आपका would का uses, ठीक है? दूसरा जैसे इन्होंने बोला अभी प्रवीण ने कि वुड का यूज होता है आपका रिक्वेस्ट के लिए भी, यस होता है वुड का यूज रिक्वेस्ट के लिए भी, ठीक है, रिक्वेस्ट के लिए आपका एक तरह से मैं बोलूं कि मे का यूज भी होता है, कैन का यूज भी होता है, कुड का यूज भी होता है, चलो कुड भी आ जाएगा, देखो कुड का यूज भी होता है आपका रिक्वेस्ट के लिए, ठीक है, लेट मी मेक इट क्लियर फॉर यू गाइस, ठीक है, अब ये चीज थोड़ा ध्यान से समझना, मोडल क्लियर आपके फिलहाल, ठीक है, वुड हो गया, कुड हो गया, और आपका और क्या था, मे और कैन हो गया, मे और कैन हो गया, ये भी रिक्वेस्ट के लिए होते हैं, ठीक है, और विल भी होता है, विल भी रिक्वेस्ट के लिए होता है, रिक्वेस्ट के तो बहुत सारे यूज होते हैं, पर चलिए अब देखो मे से, अब जब मे मैंने बोला आपको, मे मैंने क्या बोला आपको, कॉमन रिक्वेस्ट, एफ आर डायरेक्ट कर रहा हूं मैं,
जब आपकी फॉर्मल रिक्वेस्ट हो रही है तब आप मे का यूज करोगे, जैसे हम लोगों को पता है कि हम मे आई कम इन बोलते हैं, कैन आई कम इन नहीं बोलते, बिकॉज ऑफ फॉर्मल नेचर, राइट। वहां पे हम अपने से बड़ों से एक परमिशन ले रहे हैं, तो वी से मे आई कम इन सर। कैन इज यूज्ड एज इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, जो आपकी इनफॉर्मल है वहां पे आपका कैन यूज होता है, ठीक है। जैसे अपने दोस्तों वोस्तों से आप बोल रहे हो कि हे कैन यू हेल्प मी, हे कैन आई टेक योर पेन, कैन आई व्हाटएवर, राइट, ओके। सो देन कुड का यूज क्या होता है, अपना वुड आता है, वुड होता है कि आपका फ्रेंड है या आपका फ्रेंड दोस्त की बात है, आपका फ्रेंड है या कोई और आपके कोई आपसे बड़े हैं आपसे छोटे हैं, ठीक है। सो आप उनके दिल की बात जानना चाहते हैं, फीलिंग, राइट। आजकल वैलेंटाइन वीक चला हुआ है, सो यू कैन आस्क समवन, अगर उनके दिल की बात, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी विद मी, जरूर आएंगे सर, राइट। So would you like to have a cup of tea? मतलब to know someone's wish, to know someone is someone, मैं ऐसे करूँ, someone's wish, किसी के दिल की बात को जानना, तो तब हम वहाँ पे would का use करते, ना तो वहाँ पे would चलेगा, ना तो वहाँ पे ये चीज़ चलेगी, वहाँ पे चलेगा would simple. To know someone. Would you please? To know someone's wish. किसी की विश को जानना चाहते हैं आप, उसकी इंक्वायरी हार्ट के बारे में जानना चाहते हैं, यहां पे तो आप देखो ना कि विश मांग रहे हैं, व्हाट, नो नो, वे हम यहां पे विश कर रहे हैं कि वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी विद मी, ठीक है। आप अपने दोस्त को बोल रहे हो कि आप मेरे साथ कॉफी पे चलना चाहोगे, मेरे साथ मूवी देखना चाहोगे, राइट। सो दैट इज अ काइंड ऑफ सेंटेंस व्हिच यू आर सपोज्ड टू यूज वुड। कुड में पता क्या होता है, कुड में भी रिक्वेस्ट होती है, लेकिन रिक्वेस्ट पता कैसी होगी, मच much hesitant, आप बहुत ही ज्यादा डरोगे, मतलब आप रिक्वेस्ट तो कर रहे हो लेकिन डरते डरते आपको डर लग रहा है कि पता नहीं आगे वाला बंदा एक्सेप्ट करे, हंटर hesitant it's not hunting, इतना भी बुरा हैंडराइटिंग नहीं है, राइट। मच हेजिटेंट मतलब जैसे हेजिटेशन नहीं होता, हेजिटेशन होता है आपको कुछ भी चीज पूछने से पहले पता नहीं होगा कि नहीं होगा, हेजिटेशन होता है। तो मच हेजिटेंट रिक्वेस्ट, ऐसे मान लिया आपके टीचर है कोई, राइट, आपके टीचर है कोई और एंड इट्स रेनी कम्प्लीटली एंड आप उनसे लिफ्ट मांगना चाहते हो, अब आपको पता नहीं बड़े भी बहुत ज्यादा है, पता नहीं रिक्वेस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, हेल्प प्रदीप रिक्वेस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, मानेंगे कि नहीं मानेंगे, यू वुड सिंपली से सर कुड यू प्लीज ड्रॉप मी, कुड यू प्लीज ड्रॉप मी, तो ये रिक्वेस्ट जो है बहुत हेजिटेंट होती है, ठीक है। आगे वाला बंदा मानेगा कि नहीं मानेगा, बट आपको पूछना पड़ रहा है, तो यू से कुड यू प्लीज ड्रॉप मी देयर, क्या आप मुझे वहां पे छोड़ दोगे, राइट। मे भी हो गया, और इसी तरह से जैसे शैल होता है, शैल से भी परमिशन पूछ जाती है, लेकिन शैल से होता है सिर्फ डायरेक्ट, मैं आपसे मुझे पता है कि आप यस बोलो नो बोलो, जैसे मैं ये जस्टर पकड़ूंगा, जैसे शैलाई तो मतलब मैं कर दूंगा इसको, मुझे आपकी ये सरों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो shall I will just rub it, understand, ठीक है। am will, will आपका future की inquiry के लिए, will you go there with me, क्या मेरे साथ चलोगे वहाँ पे, will simple inquiry के लिए, formal informal दोनों चल पड़ेगा, चाहे formal करो चाहे आपका informal करो, दोनों जगह आपका चल पड़ेगा, right। could का use आपका इस तरह से हो गया, may can मैंने आपको बता दिया informal है, would आपका आपका request हो गया imaginary के लिए, और वुड का यूज पास्ट के लिए भी होता है, ध्यान रखना, वुड पास्ट रिक्वेस्ट नहीं, जैसे पास्ट में कुछ चीज घटी लेकिन आप ये बोलना चाहते हो कि मैंने तो नहीं किया या ऐसा तो नहीं होता, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, हाउ वुड यू से दैट आई वॉज नॉट देयर, हाउ वुड यू से दैट, हाउ वुड आई रिएक्ट इफ आई वर देयर, ठीक है, अगर मैं कैसे रिएक्ट करता अगर मैं वहां पे होता तो, ठीक है, राइट। तो ये इस तरह से भी होता है, लेकिन आपको एग्जाम में इन बच्चों में उतना नहीं पढ़ना, डिटेल में तो मॉडल्स वैसे बहुत एडवांस्ड है, फिर अथवा वुड हैव भी आता है, कुड हैव भी आता है, शैल हैव भी, स्पोकन में काफी यूज होते हैं, तो उससे आपको लेना नहीं है, लेना अभी नहीं है कुछ फिलहाल, आपको एग्जाम के लिए आपको मे का पता होना चाहिए, कैन का पता होना चाहिए, ठीक है, मे कैन शुड मस्ट, ठीक है, और आपका वुड और आपका यूज टू तो नहीं होता, पर ये चार आपको थोड़ा उलझा सकते हैं, ठीक है। तो
तो इसमें मैंने आपको बता दिया मे का यूज पॉसिबिलिटी के लिए होता है। नहीं सर, सॉरी, चार नहीं पांच, व्हाटएवर, आप ना चार उठ जा सकते हैं, पांच है, व्हाट, पांच है, वन टू थ्री, या मतलब ये चीजें हाँ आ सकती है। सो दिस आर इम्पोर्टेंट, तो आपको ध्यान रखना है। दो नंबर का तो आता है मोडल्स क्लास टेंथ में, ठीक है, तो सिंपल सा फंडा, बट आपको पता भी होनी चाहिए चीजें, राइट। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको दो नंबर का, सेंटेंस करेक्शन वाला पार्ट है जो एडिटिंग का रहा है, उसमें भी क्या होता है कि मोडल्स दिया हो आगे आपको वर्ब का प्रॉपर यूज करना है। तो ध्यान रखना, जब भी ये 13 मॉडल्स आप यूज करोगे, 13 मॉडल्स जब आप यूज करोगे, तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है के साथ, बी फर्स्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है हमेशा 13 मॉडल्स के साथ। कैन ले लो, कुड ले लो, देखना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी आगे, ही कैन डू, राइट, इट मस्ट, व्हाटएवर, तो मतलब कुछ भी आएगा फर्स्ट फॉर्म ही आएगी 13 के साथ। सर वन माइट नॉट क्राइंग अप, व्हाट, माइट, माइट, हां देखो, मे और माइट मैंने बताया था आपको, चलो ठीक है, अच्छी बात है, यू रिमाइंडेड मी, थैंक यू सो मच सर फॉर रिमाइंडिंग मी। कोई बात नहीं सर। देखो मैंने मे का बताया था चांसेस के लिए होता है यूज, ठीक है, चांसेस के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, बट ध्यान रखना, ये बहुत अच्छा याद दिलाया प्रवीण ने। देखो मे का यूज होता है जब किसी चीज के घटने की 50% से ज्यादा चांसेस हो, 50% प्लस, तब लगाओ मे। क्या सर, क्या, जब किसी चीज के घटने की 50% से ज्यादा चांसेस हो तो लगाओ मे। देखो मैं आपको समझाता हूँ, जैसे मान लिया आसमान में क्या हो गया कि बहुत ज्यादा क्लाउड आ गया, क्लाउड्स आ गए बहुत ज्यादा, ओके, तो अब क्या है कि अब जो है बारिश हो सकती है, चांसेस बहुत ज्यादा है, राइट। सो व्हाट वुड आई से, मैं बोलूंगा कि इट मे रेन टुडे, मतलब बारिश हो सकती है, ठीक है, मतलब 50% से ज्यादा चांस है। अगर बस क्या हो रहा है कि मतलब आसमान में क्लाउड है, लेकिन क्लाउड है बारिश नहीं हो सकती, मतलब कम चांसेस है, जहां पे 50% से लेस चांसेस हो, 50% माइनस, 50% से लेस चांसेस हो, वहां पे माइट का यूज होता है, ठीक है। अगर हिंदी में बोलो तो मे का मतलब है शायद, ठीक है, माइट का मतलब शायद ही, मतलब शायद ही, मतलब शायद ही बारिश हो सकती है, मतलब बहुत कम, रेयर चांसेस हैं, ठीक है, बहुत रेयर चांसेस है कि आज बारिश हो सकती है, मतलब क्लाउड्स आएंगे, थोड़ा ऐसे थोड़ा क्लाउडी होगा वेदर हमारा, लेकिन बारिश नहीं हो पाएगी, हमें भी लग जाएगा पता, लग जाता ना कई बार पता, आसमान में क्लाउड होते हैं लेकिन चांसेस नहीं होते हैं, तो 50% से कम चांसेस होता है, इट माइट रेन टुडे, अगर कम चांसेस होंगे तो इट माइट रेन टुडे, अगर ज्यादा चांसेस होंगे तो इट मे रेन टुडे। माइट हिंदी में शायद, शायद ही, ये शायद, मतलब थोड़ा सा, देखो हिंदी से मैं आपको पहले भी बताया कई वीडियोस में, एंड एवरीवन दोस वर वाचिंग आल्सो, मैंने आपको बताया, तो इंग्लिश टू हिंदी मत किया करो, यही कंफ्यूजन होता है, इंग्लिश को इंग्लिश तरह समझो, समझो, ठीक है, जैसे ऐसा मत समझो कि मे का मतलब शायद, माइट का मतलब शायद ही है, तो वैसे ऐसा ही, लेकिन कई बार क्या होता है कि सेंटेंसेस आर देयर, उनका मतलब कुछ अलग हो जाता है, जैसे इन है, अब हिंदी में पंगा क्या है, इन का मतलब मैं, है ना, मैं ग्राउंड में बैठा हूं, तो आप क्या लगाओगे वहां पे, आई एम सिटिंग इन द ग्राउंड, क्योंकि आपको क्या, आप हिंदी से चल रहे हैं, ठीक है, आई एम सिटिंग इन द ग्राउंड, क्या आपको स्कूल में बताया कि इनका मतलब मैं होता है, तो आप मैं लगाओगे वहां पे, लेकिन ये गलत है, क्योंकि इनका जो यूसेज है वो इंग्लिश में है, हिंदी में नहीं है, इनका यूसेज होता है इन साइड ऑफ समथिंग, ग्राउंड के अंदर कैसे बैठ सकते हो आप, इनका इनका जो यूज होता है वो होता है इन साइड ऑफ समथिंग, किसी चीज के अंदर है आप, तो अगर आप बोलोगे आई एम सिटिंग इन द ग्राउंड तो काफी फनी होगा, ग्राउंड के घास के अंदर बैठे लेकिन आपको मत, आपको बताया गया, आपको बताया कि इनका मतलब होता है मैं, ठीक है ठीक है, ओके, तो आई एम सिटिंग इन द ग्राउंड मतलब नहीं हो सकता, देखो सुन लो भी, इसीलिए क्या होता है कि हिंदी से हमें, हमारे माइंड में जो फीड हुआ है हिंदी में मतलब ये होता है, हिंदी में मतलब मे का मतलब शायद होता है, शायद ही होता है, तो वो चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेट कर देती हैं, बिकॉज हिंदी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज इज डिफरेंट एंड इंग्लिश इज डिफरेंट, बोथ लैंग्वेज हैव डिफरेंट नेचर, अंडरस्टैंड, तो आपको इनकी तरह अगर यहाँ पे आएगा ऑन, आई एम सिटिंग ऑन द ग्राउंड, क्यों ऑन का मतलब होता है पर, आपको समझ ही नहीं आएगा अपना, मैं ग्राउंड पर बैठा हूँ ये कैसे हो सकता है भाई, मैं ग्राउंड में बैठा हूँ, राइट, बिकॉज ऑन इज यूज टू सरफेस ऑफ समथिंग, तो ये बहुत डिटेल डिस्कशन है, आई वॉन्ट इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा इसमें मैं,
लेकिन सिंपल सा फंडा आपने याद रखना है, ये भी बहुत ही डिस्कशन, इतना डिटेल में आपको नहीं आएगा, इतना माइनर जो डिफरेंस होता है वो नहीं आएगा. यू जस्ट सिंपली नीड टू नो व्हाट इज मोडल, आपके मोडल्स क्या हैं और इनका यूसेज कैसे होता है, दैट्स ऑल. राइट, ओके, सो दैट्स ऑल. नाउ वी विल डू सम एक्सरसाइज ओवर इट एंड देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर द कैमरामैन सुरेंद्र जी. थैंक यू.